Hi friends, and welcome to yet another great episode of Crips on Wheels. This time we are going to cover Dapoli. अगर आप बोलोगे कि यार दापोली तो तुमने फर्स्ट ही वीडियो में कवर कर दिया था, वापस वीडियो बनने की क्या जरूरत थी, तो ये टाइम हम लोग कुछ ऐसे प्लेसेस कवर करेंगे जो ना आपने देखे हैं ना कहीं सुने हैं. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस है दापोली में, विच आई वॉन्टेड टू शो इट टू यू, एंड आई विल शो इट टू यू विथ ऑल माई टीम मेम्बर्स. ओके, सो देर आर अराउंड क्रू ऑफ 6 to 8 मेम्बर्स अलॉन्ग विथ मी. दूज आर माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स वो विल बी हेल्पिंग यू आउट ऑन शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन ऑन अ वेरी ग्रेट एंड फैंटेस्टिक वे. ओके, लाडघर और करदे का जो बीच है वो इस टाइम हम लोग कवर नहीं करेंगे. फॉर ग्लिम्स ऑफ लाडघर एंड करदे बीच विच आर द फेमस बीचेस ऑफ दापोली, वो आप मेरा पहला भी एपिसोड देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर देता हूँ. बट रेस्ट ऑफ द लोकेशंस आर इक्वली ब्यूटीफुल और प्रॉब्ली मोर ब्यूटीफुल एज आई मस्ट से. उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा. मैं और मेरी सारी टीम आपको इस मामले में आपको बहुत सारी जानकारी शेयर करेंगे. सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल एंड ऑफ द एंड. बट वन एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट यू नो इट विल बूस्ट अस एंड इट विल हेल्प अस क्रिएट मोर वीडियोस टू यू गाइस. थैंक यू वेरी मच. अप्पा मोरिया मंगल मूर्ति. तो गाइज दापोली पहुंचने के लिए यहाँ से एक सावित्री का पुल होता है. तो पुल का कुछ तो काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ तो डैमेज है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट वी हैव टू वेट ओवर हियर फॉर से हाफ एन आवर एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. कि यहाँ से एक जेट्टी का प्रोविजन है, इन्होंने सुनाया बताया जैसे, और वो जेट्टी में गाड़ी डल के दूसरे शोर तक जाना है. दैट इज़ द ओनली वे. अनदर वे इज टू यू नो एन रूट महाड़ के एकदम पीछे से जाके पूरा गोल घूम के इट विल टेक 1-1.5 आवर. और जो ये जो हम लोग को वेटिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, जो वो आधा घंटा या एक घंटा का टाइम है. सो कभी भी अगर आप दापोली जाएंगे तो एक बात इंश्योर कर लीजिएगा कि जो सावित्री का पुल है वो फंक्शनल है, एक्टिव है और रोड कंडीशंस काफ़ी ठीक है. हम लोग जो पूरा से निकले अब तक यहाँ तक आए, रोड कंडीशंस वेरी नाइस. बट एट द सेम टाइम नाउ वी हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर. गाइस काफ़ी मशक्कत के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं. टोटल 9 आवर्स लगे. 2 आवर्स तो वो सावित्री ब्रिज के पुल के टूटने के वजह से वो जो फेरी में हमको जाना पड़ा उसमें निकल गए. अभी 7 आवर्स की ड्राइव अब तक हो गई है. थोड़ा सी थकान ऑब्वियसली आ गई है. सो हम लोग यहाँ पे रुके हैं चाय और थोड़ा सा नाश्ता करने को, तो वड़ा पाव वगैरह खा लेंगे और फिर आगे हम लोग हमारे होटल में साहिलेन में जाएंगे जो हरनाई बंदर के नज़दीक है. दिस इज़ द रूम फॉर साइलिन जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया है. दिस इज़ जस्ट यू नो कपल ऑफ मिनट्स अवे फ्रॉम हरनाई बंदर. दिस इज द वॉशरूम. यस यस. एंड द कॉस्ट इज अराउंड 3,000 rupees पर नाइट. सो 2 दिन के हम लोग के हो गए 6,000 rupees पर रूम. दिस इज़ द हरनाई बीच एट बैक. और जैसे आप देखोगे आपको एकदम एंड में ना यहाँ पे कुछ ट्रॉलर्स दिखाई देंगे. सो दिस आर फिशरमैन ट्रॉलर्स और यहाँ पे ही आपका पूरा क्या बोलते हैं उसको
फिशिंग वगैरह होता है और उसके बराबर सामने ही उसका सेल भी होता है। नाउ दिस हरनाई बीच इज़ अराउंड प्रॉब्ली वन कपल ऑफ ऑड किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दैट हरनाई बंदर ऑल टुगेदर। इट इज़ अ क्लीन बीच, हाउएवर अगर आप उसकी सैंड देखोगे बहुत ही स्टिकी सैंड है, नॉट सो प्लेजेंट, सो वी कैन नॉट एक्चुअली प्ले इन इट, वी कैन नॉट सिट, बट देन उस पर कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग यू नो वी कैन एन्जॉय द स्मूथ सी ओवर देयर। ओवरऑल इट इज़ अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, वी हैव केम इन द मॉर्निंग और ये है इसका फुल व्यू। People enjoying nice cricket over here, and what we are going to do is basically there is a boat which goes for a dolphin safari or abhi pata nahi dolphin dikhenge ki nahi dikhenge, but at least we will have a sea safari. डॉल्फिन राइड झाली आहे आणि आता सर्वांना प्रचंड भूक लागली आहे। हे सर्वजण एका ठिकाणी बसलोय, सर्वजण वाट बघतात टॉमलेट पाव, काही काही जणांना मिळाले ऑलरेडी। इथे सागर सागरने काय घेतलं, भुर्जी पाव, भुर्जी पावचा आस्वाद घेताना अवधूत अवधूत अवधूतने काय घेतलंय, ऑमलेट, अरे पाव कुठे आहे अवधूत, फटाफट खा। आर्यन तर दाबून खाते मगासपासनं, पहिला नंबर त्याचाच होता, अजून संपवतोय तो। नमस्कार, आता आम्ही बीच फिरून आलो सकाळपासून आणि आता आम्ही पोहोचलो आहोत केशवराज मंदिर। सो हे पहिलंच तीर्थस्थान आहे जे आम्ही इकडे दापोलीमध्ये येऊन बघणार आहोत आणि आम्ही त्याच वाटेवर चाललो। तुम्ही बघू शकता आमची पूर्ण टीम। से हाय, हाय, थँक यू। पूर्ण टीम आता मंदिराच्या दिशेने चालली आहे, थोड्याच वेळात आपण मंदिरापर्यंत पोहोचू। ये मंदिर की रचना प्राचीन काल से हुई है।
पांडवों ने बांधा हुआ ये मंदिर है और ये देव विष्णु का देवस्थान है। ये बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है और यहाँ पे आने वाले सारे भक्त ये मंदिर में 200 स्टेप्स चढ़ के आते हैं। आप देख सकते हैं गोमुख से बहता हुआ पानी और लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं और ये 12 ही महीने बहता हुआ पानी है। एंटायर टेंपल इज सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ ट्रीज। यू कैन सी दैट ऑल द ट्रीज सराउंडेड बाय दिस टेंपल। So just below Keshavaraj temple there is a beautiful river which flows out और यहाँ पे आप काफ़ी सारा रिलैक्स कर सकते हैं, बहुत ही ठंडा शुद्ध पानी का आनंद ले सकते हैं। Good afternoon all. Good we afternoon. Are Rahul families and we are on Dapoli ride 2022. Brother? Right. Okay. Then early morning we went for dolphin rides. It was an awesome experience. We see so many dolphins in Dapoli Sea. Then we move out for breakfast. That was a local food, bhurji pav and omelette pav. That's also awesome taste. Then we move to see a Keshavaraj temple. It's a temple built by Pandavas in one night. You can see the weather of that place is very nice, cool. And then we move to see Parshuram. Parshuram is okay. Now you can see the Parshuram. Parshuram is a bhakt of Shankaraj, which is around we can prayer to Shankara. And this moving towards Kokon only. Thank you very much. तो गाइस फ्यू टिप्स वाइल यू गेट इन टू दापोली। यहाँ पे मोबाइल रेंजेस बिल्कुल नहीं है। ओके आई हैव नॉट ट्राइड BSNL पर मेरे सारे जो दोस्त कलीग्स आजू बाजू में मैंने जैसे वीडियो में दिखाए हैं सबके पास अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है, जियो है, एयरटेल है, आइडिया, वोडाफोन, एवरीथिंग। बट प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव द मोबाइल नेटवर्क। सो इसका मतलब है GPS नेविगेशन आपका बराबर से नहीं होगा। सो यू हैव टू डाउनलोड ऑफलाइन ऐप्स और ऑफलाइन मैप्स टू रीच दोज डेस्टिनेशन। सो अगर आपको दापोली आना है तो उसके पहले जहाँ पे आपको जाना है उसका लिंक कहीं पे तो सेव कर लीजिए गूगल मैप्स में, सो दैट यू कैन नेविगेट सीमलेसली। सेकेंड थिंग, यहाँ पे खाने के बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे होटल्स है यहाँ पे, बट वहाँ पे खाना बहुत लिमिटेड रहता है। सो वी आर हियर एट लाडगढ़ नाउ। लाडगढ़ में भी आजू बाजू में काफ़ी सारे होटल्स हैं, बट 3-4 होटल्स में पूछा, एक तो एक घंटा बोला, एक बोला कि है ही नहीं, दूसरा बोला कि हम लोग का सभी जस्ट खत्म हो गया है। फॉर्चुनेटली होटल साई दत्ता बीच रिजॉर्ट, यहाँ सा उन्होंने कहा कि यहाँ पे फिश थाली अवेलेबल है, सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई इट। सो दो तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखिए, यू हैव टू बी स्टमक फुल वाइल यू रूम। तो फिर उसका एक ध्यान रखिए कि जहाँ पे खाना मिले खा लीजिए फटक से। और दूसरी चीज़ यह है कि मोबाइल रेंजेस यहाँ पे नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो गूगल मैप्स नहीं चलेंगे। So we have to be very careful about the roads. So guys, we are at famous Harnai Bandar, और यहाँ की स्पेशलिटी है यहाँ का फिश।
पूरे दापोली की फिश स्पेशलिटी है यहाँ का फिश, और जहाँ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फिश मार्केट इज़ अवेलेबल मॉर्निंग को 8:30 को या और शाम को 4-4:30 बजे के यहाँ पे, यहाँ पे होलसेल बाज़ार लगता है जहाँ पे आप बहुत सारे फिशेस इन बल्क क्वांटिटी ले सकते हैं, स्पेशली होटल इंडस्ट्री के लिए या कहीं पे जहाँ पे बड़े फिश मार्केट्स है वहाँ पे, यहाँ से इंटीरियर्स पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र वहाँ पे यहाँ से फिशेस सप्लाई होती है फॉर टिपिकल यू नो यूजर्स लाइक अस और टिपिकल बायर्स लाइक अस जो छोटी क्वांटिटी में मच्छी लेते हैं उनके लिए ये पूरा टाइम चालू रहता है जैसे आप देख सकते हैं। और ये ये सामने आप देख रहे हो वो है ट्रॉलर्स जहाँ से ये फिशेस आती है, और ये काफ़ी बड़ा कारोबार है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है, और बहुत सारे होटल इंडस्ट्री, बहुत सारी टूरिस्ट इंडस्ट्री ये पर्टिकुलर फिश मार्केट या फिशेस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ का स्पेशलिटी दापोली का स्पेशलिटी फिशेस है। अभी हम लोग 2 साल पहले आए थे जब भी कोविड जस्ट हट गया था और हम लोग यहाँ पे आए थे, तभी का जो एक सीनारियो था और यहाँ अब का जो सीनारियो है वो काफ़ी डिफरेंट है। अभी मार्केट पूरा खुल चुका है, बहुत सारा पब्लिक यहाँ पे है, एंड आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर जर्नी ऑफ हरनाई फिश मार्केट। हाँ 1800 रुपयाचा व्हिडिओ आहे, 1900 हां ठीक आहे, 1900चा व्हिडिओ आहे, चला प्रॉपर वाईट। सो गाइज यहाँ पे जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताई थी कि आपके जो फिशेस यहाँ पे मिलते हैं वो आप यहाँ पे ख़रीद के, बहुत सारे होटल्स हैं नॉट ओनली इन द सराउंडिंग एरिया बट यू नो अक्रॉस दापोली, कि वहाँ पे आप उसको फिश फ्राई करके खा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे सस्ते दाम में फिश ले लीजिए और उसको फ्राई कर लीजिए होटल में जाके। अभी यहाँ पे एडजेसेंट टू दिस पर्टिकुलर विच इज़ प्रॉब्ली फिश मार्केट, यहाँ पे पीछे होटल्स भी है छोटे मोटे आपको दिखेंगे, जैसे कि एक रहा वो एक रहा, और टूवर्ड्स द रोड और टूवर्ड्स द हाईवे पिकअप, तो यहाँ पे आप फिश लीजिए, सस्ते दाम में फिश लीजिए और वहाँ पे लेके जाइए, वो आपको उनके स्टाइल में, उनके करी में, उनके मसाला में फ्राई करके, या आपको अगर उसको फिश करी करनी है तो फिश करी करके आपको सर्व करके देंगे एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। सो दैट इज द यूनिक पॉइंट एट दापोली। वी कैन सी ब्यूटीफुल बर्ड्स ओवर हियर, आई बिलीव जो हमने मालवन तारकली में देखे थे, तो जस्ट बिसाइड दिस हरणे बंदर देर इज़ अ सुवर्ण दुर्ग फोर्ट, और वहाँ पे जाने के लिए आपको उसके साइड का एक रास्ता है, वहाँ से आपको बोट पकड़नी पड़ती है और बोट आपको लेके जाती है सुवर्ण फोर्ट पे,
दिस वॉज बीन रूल्ड बाय निजाम शाह देन टेकन ओवर बाय छत्रपति शिवाजी महाराज एंड काफ़ी एक्साइटिंग लोकेशन है ये. आई विल कीप यू पोस्टेड. एट द बैक ऑफ माई साइड जिसे आप देख सकते हैं बोट आ रही है. वी आर वेटिंग फॉर द बोट टू कम सो दैट वी कैन गो. पर पर्सन 200 रुपये चार्जेस है टू एंड फ्रो. और जैसे आपको पता ही होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आर्मी थी उसका एक सबसे बड़ा और एक महत्वपूर्ण अंग था वो दैट वॉज इट्स नेवी. इट वॉज द नेवी. ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी. और उनका जो आर्मर था जिसे उसे अभी नेवी कहा जाता है काफ़ी फेमस था. कान्होजी आंग्रे उसके लीड थे. और ये जो फोर्ट है दैट इज़ वन ऑफ हिज स्ट्रेंथ व्हेन इट कम्स टू नेवी और द आर्मर. क्योंकि ये पूरे चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है एंड इट एक्चुअली यू नो यूज टू ऑब्जर्व एंड मेजर कि खुद कोई बाहर से अंदर आता है अंदर से बाहर जाता है इंग्रज पुर्तगीज़ या और कोई सैलानी है तो अगर वो व्यापार करते थे इन पोर्ट्स के थ्रू करते थे और इन पोर्ट्स की देखरेख करना ये नेवी का काम था. This is the entrance of the fort. ये actually wall गिरी हुई है वहाँ से entrance है. This is the fort entrance, the official one. जैसे आप देख सकते हैं fort के दीवार पे हनुमान जी का sculpture है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेल है डीप वेल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नॉट मच एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर फोर्ट. काफ़ी झाड़ी है और आप चलने को भी इतना कुछ खास प्रोविजन नहीं है. इट इज़ नॉट दैट इंस्ट्रूमेंटल विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दोज कैनन्स एंड एवरीथिंग विच वी थॉट ऑफ. तो अगर आपको अगर ये एक्सप्लोरिंग में ऑप्शनल रखना है तो आप रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं. Sanjay Suryavanshi and I was a part of Dapoli trip with Gautam and others. Our overall experience of the trip was truly fantastic, but as you all know that not all the journeys are very smooth, so we also have to face some of the unevenness in the trip. So we would like to share some of the do's and don'ts. If you are ever planning to, please carry ample amount of cash because there is a lack of network, or you can say there is no network in the Dapoli area, so the GPay, phone pay and the UPI transactions will not work over there. And second is there are many small vendors which will not accept the online payments, so it's preferable to carry ample amount of cash with you. Please do carry drinking water all the time with you, as the hydration level decreases instantly if you are traveling in Dapoli area. Please do reserve your hotel bookings much earlier than your travel date or planned date, because into the peak seasons all the hotels get booked and there is no, and also the rates get pretty much higher if any of the room is available. Don't wait for the last moment to get the hotels booked.
So next thing is that please do carry some of the eatables with you if you are traveling to Dapoli, especially in the evenings or at the late nights, because there are some of the restaurants get closed after 9:30 or they straight away deny you to provide the food, as they themselves have their in-house guests and they have to serve to them.